लिपिड मैनेजमेंट 6 to 7 ईयर्स. सो एजुकेशन एंड एजुकेशन. डायबिटीज हाइपरटेंशन इतना कॉमन हो रहा है. डायबिटीज़ आप सब लोगों को मालूम है कि डायबिटीज़ हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के हैं चाइना के बाद. और ये इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई, इतने अच्छे उपचार आ गए, नॉलेज बढ़ रही है, तो कम होनी चाहिए ना, पर इसके बावजूद भी बढ़ रही है. जब इलाज अच्छा हो रहा है, दवाइयाँ खूब आ रही हैं हर साल नई नई, फिर भी हमारे देश में डायबिटीज़ की संख्या बढ़ रही है, डायबिटिक पेशेंट्स की. और इसी तरह ब्लड प्रेशर इतना इतना इजी बीमारी है जो एक या दो दो गोली से ठीक हो सकती है, वो भी बहुत बढ़ रही है. तो हर चौथा पांचवा मरीज ब्लड प्रेशर का है हमारे पास जो आते हैं, और हर चौथा पांचवा मरीज डायबिटीज़ का है. और जब ये दोनों बीमारियां एक साथ होती हैं, जो अक्सर 70% लोगों में दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये एक पहाड़ बन जाता है बीमारी का. मैं आपको समझाऊं कि जैसे डायबिटीज़ की बीमारी एक है, हाइपरटेंशन की एक, ये जब दो बन ये दोनों जब मिल जाती है ना, तो ये एक और एक दो नहीं होती, ये एक और एक कई गुना ज़्यादा हो जाती है. जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कई गुना ज़्यादा होती है. तो हमें चाहिए कि हर डायबिटिक पेशेंट का ब्लड प्रेशर लिया जाए और हर ब्लड प्रेशर के मरीज की डायबिटिक की जांच की जाए, तो हमें मालूम पड़ेगा. और तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारे आउटडोर में मरीज, चाहे बुखार के लिए आए, चाहे पेट की बीमारी के लिए आए, हमें उसका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेना ही चाहिए, क्योंकि ये इतनी प्रगति से बढ़ रही है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कौन सा ब्लड प्रेशर का मरीज है और कौन सा डायबिटीज, उसे मालूम ही नहीं है. अभी 60 साल का आदमी आएगा, उसका ब्लड प्रेशर लिया, यार आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम सब, मैंने तो कभी नपवाया ही नहीं, क्यों नपवाऊँ, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती. तो ये साइलेंट बीमारी है, जब तक बहुत ज़्यादा नहीं हो, या तो पेशेंट को रिस्क स्ट्रोक हो जाए या किडनी ख़राब हो जाए. कई मरीज ऐसे आते हैं जब उनका ब्लड प्रेशर नापा, इतना ज़्यादा निकला, किडनी की जाँच कराई तो मालूम पड़ा उनकी गुर्दे खराब हो गई, जीवन ही खराब हो गया उसका, तो डायलिसिस कराओ, किडनी बदलवाओ और ज़िंदगी भर दवा लो. तो हमें ये समझना चाहिए, और हम ख़ास तौर से हमारे फिजिशियंस को ये समझना चाहिए कि ये दोनों बहुत बड़े एपिडेमिक है, और दोनों मिल जाते हैं ना तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है. सबसे बड़ी जो रिस्क है ना, वो डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर जब दोनों मिलते हैं, तो जो चीज़ 20% होती है वो 70% हो जाती है. हार्ट डिजीज़, सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ डेथ होती है, जो कार्डियक और जिनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ होती है उनको डेथ होती है सबसे ज़्यादा. जिनकी किडनी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन वालों की होती है. स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस का अटैक होता है, उनको सबसे ज़्यादा होता है. तो ये समझना पड़ेगा कि दोनों मिलके बहुत बड़ी चीज़ बन जाते हैं. जो छोटी छोटी चीज़ें, हम बीपी का इलाज 5-7 रुपए की गोली से कर सकते हैं, डायबिटीज़ का इलाज भी 5-7 रुपए की गोली से कर सकते हैं. तो जो कई सारी दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो किडनी को भी प्रोटेक्ट करती हैं, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती हैं, वो दवाइयाँ इनमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीजों में दी जाती हैं. सर, आप आम लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? ये संदेश है कि जब भी बच्चा कॉलेज में जाता है, उसे अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज़ का, इन सब का. और अगर घर में पहले से डायबिटीज़ परिवार में है तो उनको तो कराना ही चाहिए. ब्लड प्रेशर अगर परिवार में है तो उनको कराना चाहिए. मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप इस बात का इंतजार मत करो कि बीमारी हो गई तब हमें मालूम पड़ा. हमें पहले से मालूम करना है कि हमें बीमारी है या नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और तीसरा कोलेस्ट्रॉल, ये साथ साथ आ रहे हैं. कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो अब ये हो गया है. मैंने एक बार कोई इंटरनेशनल मीटिंग हो रही थी तो पूछा कि भाई 30-35 साल 40 साल में सोचते थे भाई अपना चेकअप करा लो, उन्होंने कहा नहीं, अब हमें जो ही लड़का कॉलेज में जाता है उसी समय उसका सारा पूरा चेकअप हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए, पैरालिसिस के लिए, ब्रेन हेमरेज के लिए,
किडनी खराब होने के लिए, हार्ट अटैक होने के लिए, हमारे ये पाँव में जो पाँव कटते हैं वो डायबिटीज़ में कटते हैं, हमारा जो अंधापन है वो, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन इनसे होती है। तो अब कितना आसान है अगर हमें टाइम पे मालूम पड़ जाए। तो इन सब के लिए जो सबसे बड़ा मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि हमें हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से हम ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं बगैर दवाई के, हम डायबिटीज़ भी ठीक कर सकते हैं बगैर दवाई के। आज ये ज़माना आ गया है, ये हो गया है कि डायबिटीज़ आप नॉर्मल कर सकते हो। ये कितनी बड़ी बात है कि हम डायबिटीज़ को नॉर्मल कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं। तो ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें किस तरह डायबिटीज़ को नॉर्मल, हमें रोज़ 4 से 5-6 घंटे 6 किलोमीटर रोज़ घूमना चाहिए, 10,000 स्टेप, नमक कम से कम लें, तेल चिकनाई कम से कम लें, और एक्टिविटी रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, टाइम पे खाएं और सही खाएं। ये 5 चीज़ें डैश डाइट होती है जो इसमें फल होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, वो बिल्कुल ही बंद कर दिया हमने। नमक हम बहुत खाते हैं भाई, हम विदेशों से हमारे इंडियंस में, एशियंस में हर बीमारी की रिस्क ज़्यादा होती है। कोई भी लोग इंडियंस में ज़्यादा है वो बीमार, डायबिटीज़ हम में ज़्यादा है, बीपी हम में ज़्यादा है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हम में ज़्यादा है, कुछ ऐसी जेनेटिक हमारे पास है। तो आज हमारे पास ऐसी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई है जो किडनी को भी प्रोटेक्ट कर सकती हैं, हमें हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकती है, पर हमें उस पर डॉक्टर्स को भी समझना पड़ेगा और मरीजों को, पब्लिक को समझना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम किस हद तक अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं। डॉक्टर के पारी कोटा से, मैं पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ एपीआई, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान एपीआई। काफ़ी अच्छा सेमिनार है। डायबिटीज़ की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड जो सब हम देखते हैं, डायबिटीज़ बीमारी है इंडिया में सबको हो रही है हमें पता है, तो डायबिटीज़ से इतनी जो प्रॉब्लम्स है वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक सेशन में हमें कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है। मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्फ्रेंस है। डॉक्टर पल्लवी, जयपुर में महात्मा गांधी में रेजिडेंट हूँ मेडिसिन की। राज RSS GI 22-23, ये 10वां अधिवेशन है हमारे राजस्थान चैप्टर ऑफ RSS GI का, जो कि पुष्कर में रखा गया है। इसका मेन थीम था कि हम हर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर डायबिटीज़ के मरीजों को पहचानें, उन्हें जागरूक करें और उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका इलाज करें, ताकि समय पर उनसे जो रोग के लक्षण उनका पहचान हो सके और उनका समय पर उपचार हो सके, उनसे होने वाले जो विकार हैं उनसे बच सकें। इसी के लिए हमने थीम के अकॉर्डिंग पुष्कर ग्रामीण क्षेत्र में ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में पूरे देश भर से, जगह जगह से चिकित्सक ख्याति नाम डॉक्टर आए हैं और अपने विचार, अपने जो इलाज के लक्षण कैसे होते हैं, क्या बचाया जाता है, कैसे करा जाए इलाज, ये सब पे विचार विमर्श किया गया। वर्कशॉप हुए, पैनल्स हुए। आज इस कार्यक्रम का समापन समारोह होगा भी आधे घंटे बाद, इसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हमारी जो होगी वो रणकपुर में होगी, 11वें नंबर की। सर, इसमें ये डायबिटीज़ को कैसे रोका जाए इस पर भी चर्चा होगी। डायबिटीज़ को कैसे रोका गर्भावस्था के अंदर, डॉक्टर वी ससैया जो कि हमारे यहाँ के भीष्म पितामह डॉक्टर कहलाते हैं, सीनियर मोस्ट है, उनकी उम्र 90 के आसपास होगी। वो चेन्नई से इसी विषय पर बोलने आए, जिसका लाइव टेलीकास्ट दिल्ली में भी सभी सेमिनार कॉलेजेस में चला, और इस के संदर्भ में उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ को बाहर आने के बाद नहीं पहचानो, इसको गर्भावस्था में पहचान के उसका इलाज कर दो, ताकि वो आने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा हो। इसके लिए क्या उपाय, क्या निदान कर सकते हैं, उस पर बहुत उन्होंने गहनता से अध्ययन करके हम सबको नॉलेज दी और ये बताया कि क्यों ना हम गर्भावस्था में ही इसको ठीक कर दें, कि आने वाला बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, डायबिटीज़ मुक्त रहे, डायबिटीज़ मुक्त भारत विश्व रहे, ये उनकी कामना है, ये डॉक्टर वी शशैया ने कहा। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनिल सामरिया, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजस्थान RSS 22-23। थैंक यू। अजमेर के सेमिनार में मेरे को इनवाइट किया है राजस्थान RSS TI चैप्टर के प्रमुख डॉक्टर अनिल सामरिया और डॉक्टर
अरविंद गुप्ता ने, वैसे मैं अजमेर मेडिकल कॉलेज का ही प्रोडक्ट हूँ पर प्रैक्टिस दिल्ली में करता हूँ, डायबिटीज़ और RSSDI का मेंबर होने के नाते मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि RSSDI अजमेर ने जो ये एफर्ट किया है, जो ये इतना बड़ा एकेडमिक एक्स्ट्रा वेगेंजा पैदा किया है आप सबके लिए, हम सब डॉक्टर्स के लिए, वो अपने आप में एक इस तरह का एग्जांपल है कि जो कम्युनिटी से रिलेटेड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को ज़्यादा हद में कवर किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्फ्रेंसेज में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स और डेटा पे ज़्यादा थ्रस्ट होता है। एज ए डॉक्टर मैं आपको ये ऐड करना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में वो सारे टॉपिक जो पेरिफरी में काम करने वाले डॉक्टर को मरीजों की मदद करने में सहायक सिद्ध होंगे और मरीजों के आउटपुट्स जो कहते हैं मेडिकल फाइनल आउटकम्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इजाफा मिलेगा उन्हें अपनी प्रैक्टिस में, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे कवर हुए हैं। जैसे मेरा भी टॉपिक ऐसा ही था कि जो एक कम्युनिटी फिजिशियन के लिए एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हम लेके आए थे कि जो कोर्सेज में, एकेडमिक्स में, करिकुलम में, सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है पर डायबिटीज़ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से इस टीम को मिलना चाहिए कि उन्होंने कम्युनिटी ओरिएंटेड टॉपिक्स इसमें ज़्यादा रखे। मैं डॉक्टर राजकुमार लालवानी।